विक्टोरिया मेमोरियल हॉल जाने के लिए हम क्वींस वे का इस्तेमाल करते हैं, जो कलकत्ता की पुरानी और खूबसूरत सड़कों में से एक है, और ये नाम विक्टोरिया रानी से ही जुड़ा हुआ है, जिनकी याद में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल बनाया गया है। यहाँ एक छोटा सा आइलैंड है। कभी यहाँ पर लॉर्ड कजन का ब्रॉन्ज स्टैचू हुआ करता था, जिसका चेहरा शाही यादगार विक्टोरिया मेमोरियल हॉल की जानिब था, जो इसकी तामीर का सबसे अहम फैक्टर था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक मुजस्मा फ्रीडम फाइटर, राइटर और योगी श्री औरबिंदो का है, जिसका फेस कलकत्ता मैदान की तरफ है। इसके चारों कोनों में चार मूर्तियाँ हैं, जो एग्रीकल्चर, फैमिन रिलीफ, कॉमर्स और पीस को रिप्रेजेंट करती हैं। इसके अपोजिट में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का नॉर्थ गेट है, जो मेन गेट भी है। साउथ में भी इसी तरह का दरवाजा है। ये दोनों ऑर्नामेंटल कास्ट आयरन गेट हैं। इसका डिजाइन विंसेंट एश ने तैयार किया था, जो सुपरिंटेंडिंग आर्किटेक्ट थे। इस पर रॉयल कोट ऑफ आर्म्स भी है। दोनों गेट इंग्लैंड में ढाले गए और जहाज के जरिए 1921 में कलकत्ता लाए गए। एंट्रेंस के साथ ही मार्वल का एक ब्रिज मिलता है। इसे भी विंसेंट एश ने डिजाइन किया था। यहाँ पर हल्के कांसे का बना हुआ बहुत बड़ा मुजस्मा रानी विक्टोरिया का है। इसे जॉर्ज फ्रैम्पटन ने बनाया था। इसमें उम्रदराज मलका विक्टोरिया सर झुकाकर अपनी दुनिया में मगन तख्त पर बैठी हुई हैं। वो स्टार ऑफ इंडिया का रूप पहनी हुई हैं। उनके दाएं हाथ में असाए सुल्तानी सीप्टर है। उनके बाएं हाथ में चर्ख ओप्स स्टेट है, जिस पर सेंट जॉर्ज की मूर्ति है। उनके सर पर ताज और रीथ ऑफ लॉरल है। कांधे को एक कशियन से सपोर्ट दिया गया है। तख्त के ऊपर और भी मुजस्मे हैं, जो आर्ट, लिटरेचर और जस्टिस को रिप्रेजेंट करते हैं। कुर्सी के पीछे लायन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन है। कभी यहाँ पर टाइगर ऑफ इंडिया भी बना हुआ था। दोनों बास रिलीफ थे, यानी ऐसी तस्वीर या मुजस्मा जो उभरे हुए हों। उनके ऊपर सूरज है। इससे मुराद उस वक्त के ब्रिटिश एम्पायर है, जिसकी हुकूमत में सूरज कभी नहीं डूबता था। इसका पेडेस्टल बेहतरीन किस्म के आयरिश मार्बल का है, जिस पर दो गोरखा सिपाहियों के मुजस्मे हैं। यहाँ पर रॉयल कोट ऑफ आर्म्स है, जो पाम्स ऑफ विक्ट्री से दायराबंद यानी इन सर्किल है। इस मुजस्मे की खूबी यह है कि इसे खुद रानी ने अप्रूव्ड किया था। इसके लिए रानी ने सबसे पहले स्केच बनवाया, उसके बाद सर जॉर्ज फ्रैम्पटन के साथ एक दो सिटिंग की। कुछ रद्द बदल हुए, कुछ एडजस्टमेंट हुए। ये मुजस्मा पब्लिक सब्सक्रिप्शन से बना है, जो उनकी 60वीं बरस यानी डायमंड जुबली पूरे होने पर यादगार के तौर पर मनाया गया था। इसकी नकाब कुशाई 19 मार्च 1902 को लॉर्ड कजन ने की थी। पहले ये मुजस्मा आरजी तौर पर रेड रोड के नॉर्दर्न एंड में था। वहां से ये 1921 में यहाँ लाया गया। इस पेडेस्टल के बेस में दो बास रिलीफ है। इसमें इंडियन स्टेट प्रोसेशन को दिखाया गया है। ऐसे रिलीफ कई जगहों पर देखने को मिलते हैं। अब आपके सामने विक्टोरिया मेमोरियल हॉल है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। आप वीडियो को पूरा देखें और इसे दोस्तों में जरूर शेयर करें। हम वीडियो पूरी डिटेल में बनाते हैं। इट मैटर्स फॉर मी। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में कई कहानियां मौजूद हैं। आगे हम इन कहानियों को अनफोल्ड करेंगे।